हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन एनपीसी द चैनल वेर कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड uh, आज का हमारा लेक्चर बेस्ट जो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर ओके लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एडिशन देखा सब्ट्रैक्शन देखा ये सब मैथमेटिकल टूल हमने सीखा मीन्स टू वैक्टर्स अगर आपको गिवन है तो आप एडिशन कैसे कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं ठीक है बट आज की वीडियो लेक्चर में हम प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं टू वैक्टर्स का वो सीखेंगे ठीक है so, सो मेनली जो प्रोडक्ट हो, होता है वैक्टर्स का अगर आपके पास टू गिवन वैक्टर्स हैं तो जो प्रोडक्ट होगा वैक्टर्स का वो टू टाइप्स हो, होता है ठीक है मीन्स प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर अगर आपके पास टू वैक्टर्स हैं और उनका प्रोडक्ट में रिजल्ट रिजल्टेंट वैक्टर आ जाए या फिर स्केलर आ जाए ठीक है मीन्स फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं स्केलर आंसर अगर आपका स्केलर आ गया ठीक है तो इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट और इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इफ यू कंसिडर टू एक्टर्स ए एंड बी देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू वैक्टर नोट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ठीक ठीक है मींस इन दोनों का जो प्रोडक्ट है रिजल्ट आया आपका प्रोडक्शन के बाद सी एंड सी इज द स्केलर क्वांटिटी ओके फर्स्ट केस में हमारा जो आंसर है स्केलर क्वांटिटी तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट लेकर ठीक है तो इसीलिए इसका नाम पड़ा डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्लियर नाउ अगर दोनों का प्रोडक्ट करें और वैक्टर क्वांटिटी आ जाए दोनों का प्रोडक्ट करें और वैक्टर क्वांटिटी आ जाए तो इसे हम बोलेंगे वैक्टर प्रोडक्ट ठीक है मीन्स if we consider vector a as well as vector b then we have the resultant c and c is the vector quantity okay so if agar aapke paas vector quantity aaya to in dono ke beech mein jo operator dono vectors ke beech mein jo operator hum use karte hain wo generally cross use karte hain isliye is product ko hum cross product kehte hain okay cross product means अगर आपके पास resultant scalar quantity है, तो dot product and resultant vector quantity है, then cross product ठीक है? so dot product and cross product बेसिकली uh, तो हम प्रोडक्ट ही कर रहे हैं बट ये ऑपरेटर जो है वो थोड़ा सा चेंज है ठीक है मीन्स आपको डिफाइन हो जाए कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए हमने जो ऑपरेटर यूज़ की है वो डिफरेंट यूज़ किया है ठीक है सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे स्केलर और वीकेंस से डॉट प्रोडक्ट ओके एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे ओके okay? तो चलिए बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट और वीकेंद से डॉट प्रोडक्ट ओके स्केलर प्रोडक्ट और इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट अब डॉट प्रोडक्ट में कैसे तो हम कंसिडर करते हैं टू क्वांटिटीज को टू वेक्टर्स को ए एंड बी और इन दोनों का डॉट किया मीन्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी है एंड दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ओके अब इसका एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हो सकता है वर्क वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट ठीक है वर्क की जो डेफिनेशन होती है दैट इज कॉल्ड फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट सो फोर्स इज द वैक्टर क्वांटिटी एंड डिसमेंट इज ऑल्सो दैक्टर क्वांटिटी सो टू वैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई कियाकेलर क्वान्टिटी ओके नाउ इसकी वैल्यू क्या होगी ठीक है अगर आपको टू प्रोडक्ट टू वैक्टर्स गिवन है एंड टू वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी तो हम वैल्यू देखते हैं वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओके तो आपके पास वैक्टर ए है एंड बी है एंड उनकी जो वैल्यू होती है दैट इज वैक्टर ए और वी कैन से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ठीक है मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस टीटा ओकेटा इज द एंगल बिटवीन वक्टर ए एंड बी ठीक है अगर आपके पास इस तरह से वैक्टर्स हैं वैक्टर ए एंड वैक्टर बी और इन दोनों का आपको क्या करना है डॉट प्रोडक्ट करना है ठीक है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये है तो डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है ए इंटू बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी कॉस टीटा ओके अब ये जो पूरा वैल्यू है दैट गिव्स द ओनली मैग्नीट्यूड ठीक है ये क्या आपको देता है मैग्नीट्यूड क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है आपका उस, वो स्केलर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है तो यहां डायरेक्शन तो होगी नहीं ठीक है इसकी डायरेक्शन तो होगी नहीं ओनली ये जो पूरी क्वांटिटी है ये शो कर रही है मैग्नीट्यूड को क्लियर है अब हम कुछ अब हम डॉट प्रोडक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पर चर्चा करते हैं ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओके फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ठीक है कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है सो कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास टू वैक्टर्स है ए डॉट बी ठीक है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल होगा बी डॉट ए के ठीक है इस प्रॉपर्टी को ऐसा समझे कि हमारे पास टू वैक्टर्स हैं एंड बी और ए से अगर आप एंगल थीटा लेते हैं ठीक है तो ये जो एंगल है ये है थीटा ए टू बी ठीक है जब a.b करेंगे तो थीटा कौन सा लेंगे जब आप a से b पर गए ठीक है मींस आपको a b ab cos थीटा लेना होगा ओके और b.a में क्या होगा आप b a या ab तो होगा ठीक है मैग्नीट्यूड तो होगा बट b से जब a पर जाएंगे वो आपको एंगल लेना है ठीक है मींस 360 थीटा cos 360 थीटा हो जाएगा तो cos 360 थीटा थीटा ही होता है सो तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो वो बी डॉट ए के इक्वल होगा एंड डॉट प्रोडक्ट होल्ड्स द कम्यूटेटिव लो क्लियर सेकेंड एसोसिएटिव लो एसोसिएटिव लो एसोसिएटिव लो के अकॉर्डिंग आपके पास थ्री वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी और इस तरह से अगर थ्री वेक्टर्स रिप्रेजेंट है ठीक है तो इनका ब्रैकेट के ओपन करने के बाद में डॉट प्रोडक्ट होगा ठीक है मीन्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ठीक है यह हंड्रेड परसेंट सही है नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑफ सेम सेम वेक्टर। वेक्टर्स। ओके मींस अगर आप टू वेक्टर्स और सेम लें ए एंड ए दोनों का प्रोडक्ट किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दोनों सेम हैं तो यहां पर कॉस जीरो हो जाएगा अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में स्पेशल केस देखेंगे जिसमें थीटा ठाक वेरी करेगा और उसके अकॉर्डिंग ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी ओके यहाँ पर अगर सेम वेक्टर हैं तो उनका स्क्वायर हो जाता है ठीक है ए डॉट ए सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा अगर आपने ऐसा लिखा है आर डॉट आर तो आर स्क्वायर हो जाएगा आई डॉट आई तो आई स्क्वायर हो जाएगा ठीक है और ये जो स्क्वायर है ये मैग्नीट्यूड है ओके डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड मिला है आपको ओके चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं स्पेशल केसेस स्पेशल केसेस में आपके पास टू वेक्टर्स हैं ए बी एंड ए बी कॉस ठीटा ये आप टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से ओके अब फर्स्ट केस में देखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री ठीक है मीन्स अगर आपको टू वेक्टर्स गिवन है एंड टू वेक्टर्स एक दूसरे के पैरल हैं ठीक है टू वेक्टर्स आर पैरल टू ईच अदर दैट इज द एंगल बिटवीन देम इज जीरो डिग्री ओके देन ए डॉट बी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो एंड कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव ओके नाउ सेकंड कैंस सेकेंड कैंस टीटा इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ओके दैट मीन्स इफ वी गिवन टू वैक्टर्स आर एंटाई पैरल ठीक है मीन्स दिस इज अ वैक्टर ए एंड दिस विल बी वैक्टर बी दे विल टू इच अदर इन विथ वन एटी डिग्री एंगल ओके सो टीटा विल बी वन एटी डिग्री एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस वन एटी कॉस वन नाइनटी कितना होता है माइनस वन सो ए इंटू बी ओके माइनस सो दिस इज आल्सो मैक्सिमम वैल्यू बट इन नेगेटिव ओके यहाँ पर आपकी नेगेटिव मैक्सीम वैल्यू है ओके नाउ थर्ड इज टीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब थीटा 90 डिग्री हो इट मीन्स टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर वैक्टर ए एज वेल एज वैक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज नाइन्टी डिग्री देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस नाइंटी एंड कॉस नाइन्टी इज जीरो सो टू वैक्टर्स एंड दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर देन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा जीरो ओके नेक्स्ट केस वेन थीटा इज लेस देन नाइन्टी डिग्री ओके मीन्स आपने इस तरह से कॉर्डरेंट तो पढ़ा होगा ठीक है फर्स्ट कॉर्डेंट में कॉस की जो वैल्यू होती है कॉ सीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉ सीटा की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है मीन्स अगर थीटा लेस देन नाइन्टी मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ ए डॉट बी क्या होगा ए बी कॉ थीटा या कॉ थीटा कोई भी हो सकता है नाइन्टी से लेस ठीक है तो इसमें क्या होता है वैल्यू पॉजिटिव होगी आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा अब वो आंसर क्या होगा वो डिपेंड करेगा एंगल पर ओके okay? नाउ नेक्स्ट केस इज ठीटा इज ग्रेटर देन नाइन्टी थीटा इज ग्रेटर देन 90 मीन्स so, कॉज की सेकंड कॉडेंट में जो वैल्यू आएगी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा ठीक है सो आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी सो so, ये क्लियर है आपके स्पेशल केसेस जिसमें थीटा वैरी करता है एंड थीटा के डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिए हमने और उस तरह से रिजल्ट फाइंड आउट किया ओके नाउ अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगनल यूनिट वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर ओके यूनिट वैक्टर तो हमने पढ़ा ही है यूनिट वैक्टर सभी को पता है कैसे होता है रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स वाई एंड दिस इज अ जेड एक्सेस ओके एक्स एक्सेस के लिए यूनिट वैक्टर आई केप होता है वाई एक्सेस के लिए जे एंड जेड के लिए ये केप ठीक है ये थ्री यूनिट वैक्टर्स होते हैं और ये थ्री वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं क्लियर है अब हमने क्या किया कि टू वेक्टर्स ले लिया हमने i डॉट i ले लिया ठीक है टू यूनिट वेक्टर्स ले लिया मीन्स i एंड i मीन्स एंगल कितना है जीरो डिग्री सो i का मैग्नीट्यूड

यूनिट वैक्टर्स ठीक है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है सो so, अगर आपने आई डॉट जे किया है तो क्या होगा सो so, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस नाइन्टी डिग्री क्योंकि सभी वैक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कॉस नाइन्टी की वैल्यू क्या होती है जीरो सो so, अगर आप टू वैक्टर्स टू डिफरेंट वैक्टर्स ले रहे हैं यूनिट वैक्टर्स ले रहे हैं तो उनके बीच में परपेंडिकुलर होगा सो so, आप अगर टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मे 90 डिग्री एंगल पर है सो so, उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज जीरो ओके सो सिमिलरली सिमिलरली जे डॉट के के डॉट आई फिल ऑल्सो जीरो तो इस तरह से हमने यूनिट फैक्टर्स की वैल्यूज को डिफाइन किया ओके okay. सो so, आज का लेक्चर हम यहीं एड करते हैं ये कुछ बेसिक डॉट प्रोडक्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने इस लेक्चर में कवर किए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करिए एंड लास्ट के जो वीडियो लेक्चर्स हैं जिनमें सब्ट्रेक्शन एंड एडिशन ऑफ फैक्टर्स दिया हुआ है समझाया हुआ है मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए क्योंकि उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्लस एंड माइनस करना ठीक है देन आप प्रोडक्ट पर आइए ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू